वेलकम टू क्लास जूलॉजी बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर पेपर नंबर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड यूनिट नंबर फोर में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेम सेल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल, यानी स्टेम सेल जो होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो स्टेम सेल जो है वो उनकी टोटल थ्री जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है स्टेम सेल्स जो होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है। सेकंड, स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिवीन्यूइंग देम सेल्स फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। एंड थर्ड, स्टेम सेल कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल्स। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है या फर्स्ट विशेषता है वो होती है कि स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है। यानी अविशिष्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो विशिष्ट कोशिकाएं जैसे हृदय पेशी कोशिका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, परंतु इनके कार्य नहीं कर सकती। स्टेम सेल्स जो है वो अनस्पेशलाइज्ड है, यानी अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स जो है वो स्पेसिफिक सेल्स जैसे हर्ट मसल सेल्स है या ब्लड सेल्स है, इनका फॉर्मेशन तो कर सकती है बट इनका वर्क नहीं कर सकती। जैसा कि आपके नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है कि अनस्पेशलाइज स्टेम सेल्स जो है वो फॉर्मेशन करती है स्पेशलाइज सेल का बट उनका वर्क नहीं कर सकती। इसलिए स्टेम सेल की एक विशेषता होती है कि स्टेम सेल्स जो होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है। दूसरा, स्टेम सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइडिंग एंड रिवीन्यूज देम्स सेल्स फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। इन स्तंभ कोशिकाओं में विभाजन और नवीनीकरण की योग्यताएं होती है। इन्हें ये जो है वो कैपेबल होती है डिवाइडिंग करने में और एक न्यू सेल्स को जो है वो फॉर्मेट करने की कैपेसिटी इनके पास होती है। ये कोशिकाएं जो होती है वो अपने पैतृक कोशिकाओं की तरह लंबे समय तक अविशिष्ट हो रहती है। इन्हें ये सेल्स जो होती है वो अपने पेरेंट सेल्स की तरह जो है वो लॉन्ग टर्म टाइम्स तक जो है वो सेल्फ रिन्यूएबल होती हैं। थर्ड है, स्टेम सेल्स आर गिव राइज द स्पेशलाइज सेल्स। इन्हें स्तंभ कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं को बनाती है। जैसा कि फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस किया था कि स्तंभ कोशिकाएं जो होती है स्टेम सेल्स जो होती है वो फॉर्मेट करती हैं स्पेशलाइज सेल्स जो कि जिसे हम कहते हैं डिफरेंटिएट, इन्हें विभेदन करती है। और ये डिफरेंशिएशन जो होता है, ये डिफरेंटिएट जो होता है वो कंट्रोल होता है हमेशा जीन्स के थ्रू। यानी जीन के थ्रू जो है वो कोशिकाओं के अंदर विभेदन को जो है वो नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ स्टेम सेल के बारे में कि टोटल जो है वो फोर टाइप्स की जो है स्टेम सेल्स होती है। पहली है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, सेकंड है अडल्ट स्टेम सेल, थर्ड है कॉलोनियल ड्राइव्ड स्टेम सेल्स एंड फोर्थ होती है आपके प्रोजेनिटर या प्रोसीजर सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो से टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसे ES सेल कहते हैं और सेकंड है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल जिसे EG सेल कहते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है। दिस सेल कैन जस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, यह स्तंभ कोशिका भ्रूण द्वारा बनती है, एम्ब्रियो के थ्रू फॉर्मेट होती है। दीज आर ट्रू स्टेम सेल्स विद द पोटेंशियल टू मेक एनी डिफरेंटिएटेड सेल इन द बॉडी। यानी ये इसमें विशिष्ट सेल्स यानी विशिष्ट कोशिका बनाने की जो क्षमता है वो पाई जाती है बट द प्रोबेबल नॉट दोज ऑफ द प्लेसेंटा विच इज ड्राइव फ्रॉम द ट्रिप्लोब्लास्ट। ये जो है वो कोरक पुट्टी की आंतरिक कोशिकाओं द्वारा यानी ट्रिप्लोब्लास्ट के थ्रू जो है वो डेरिवेट होती है या फिर ऑरिजिनेट होती है। इसी के अंदर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में। दिस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर मास, यानी जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है वो हमेशा आइसोलेटेड होती है इनर सेल मास के अंदर जिसे ICM कहते हैं, ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हेन द इम्प्लांटेशन अकर, जो कि इम्प्लांटेशन स्टेज के अंदर हमें दिखती है। फॉर ह्यूमन्स एम्ब्रियो जो होता है वो जब प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो है वो हम इजीली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को देख सकते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर यूज्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज़ जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर IVF के अंदर किया जाता है। ये सेल्स जो होती है वो ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास के अंदर जो है वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहती है।
जब एग और स्पर्म जो फर्टिलाइज होते हैं तो उसे टोटोपोटेंट स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये टोटोपोटेंट स्टेम सेल जो है वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है। अब ब्लास्टोसिस्ट से जो है वो टू पार्ट कंप्लीट होता है। एक तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ऑल ओवर फिटस का फॉर्मेशन करेगी, जो कि ऑल ओवर एनिमल को जो है वो बनाने का काम करती है। इसी प्रकार ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर मास सेल प्रेजेंट रहता है, जो कि कल्चर प्लोरोपोटेंट स्टेम सेल का वर्क करता है, और इसी के कारण जो है आपके एक न्यू एम्ब्रियो का एक न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सकता है। प्लस फीटस के अंदर जो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स होती है, एक्टोडर्म, इन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसे ईजी सेल कहते हैं, वो भी प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के रूप में वर्क कर सकती हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पोर्शन के बारे में बात करते हैं प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के, जिसे एम्ब्रियोनिक जर्म सेल कहते हैं। सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक या फीटस दैट विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस एग और स्पर्म गैमेट्स। ये कोशिका जो होती है वो एम्ब्रियो के जो रिलेटेड टिश्यू है उनसे ओरिजिनेट होती है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर बताया गया है कि ट्रिप्लोब्लास्ट है, इसके अंदर इनर सेल मास्ट है जो कि ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर से ब्लास्टोसिस्ट को निकाल दिया जाता है एम्ब्रियोनिक कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के थ्रू। जो है इसके अंदर टोटल 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनके थ्रू कौन कौन से ऑर्गन जो है वो फॉर्मेट हो सकता है, तो एक्टोडर्म से हेयर है, रेटिना है या नर्वस सिस्टम है, ये फॉर्मेट हो सकते हैं। मेसोडर्म से ब्लड सेल्स है, स्केलेटन है, स्टेटिएट मसल्स है, ये डेवलप्ड हो सकती है। और एंडोडर्म से लंग्स, गट, एंडोथीलियम है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो, और लीवर जो है वो डेवलप्ड हो सकते हैं। तो अगर हम जर्म सेल्स का कोई भी पोर्शन लेते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है वो हम इससे ईजिली कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल एंड टाइप ऑफ स्टेम सेल के अंदर प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के टाइप के बारे में।